हेलो दोस्तों तो मम्मी बनाएंगे खींचिए इसलिए आटे का मैदा निकाल रहे हैं कुछ मैदा बाजार से लाते हैं आधा बाजार वाला मैदा होता है और आधा घर का जो आटा होता है उसको ऐसे ओढ़नी में से छान के घर पे मैदा निकालते हैं तो आधा बाजार का दोनों मिक्स बनाते हैं तब ज़्यादा अच्छा बनता है पूरा मार्केट वाला मैदा नहीं लेते तो फ्रेंड्स अभी मम्मी आंटी जी खींचे बना रहे हैं तो आज मैं भी जा रही हूँ वहाँ पर देखने के लिए कैसे कैसे क्या क्या करते हैं और मैं आपके साथ खींचू की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ तो फ्रेंड्स ये खिंचिए बनाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं पानी बहुत ज़्यादा उबालते हैं और इस पानी उबलते पानी में जो खींचिए का सोडा होता है वो डालते हैं और नमक डालते हैं दो गुना सोडा रखते हैं एक गुना नमक डालते हैं एक मुट्ठी जितना जीरा डाल देते हैं आज मैं आई हूँ मम्मी आंटी जी खिंच बना रहे हैं कैसे बना रहे देखने के लिए और उनकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने के लिए अंदर आंटी जी को बुलाने जा रही हूँ आंटी जी बुला मम्मी आपने तो आंटी जी आ रहे हैं और क्या क्या करते हैं अभी देखते हैं बुला हाँ बुला हुए आपने क्या बोल रहे हैं आपने बुला, 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 बुला हुए ये टमाटो डालो निरंदर पानी डालना डालो पता पानी डालेंगे इसमें तो पहले इसको तेल से हल्का सा ऑयल लगा के पूरा चिकना कर रहे हैं इसको तो फ्रेंड्स खींचिए बनाना मतलब इतना आसान काम नहीं है हम जितना सोचते हैं पर थोड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि इसमें चार पांच लेडीज होती है तभी मिलके आराम से इजीली बन जाते हैं वरना एक दो लेडी घर में होते हैं तो उनसे नहीं बनता ये बहुत ही तेज़ गरम पानी है जो मैं अभी लेके जा रही हूँ और इसमें जो आटा और मैदा है वो मिलाएंगी और इस नमक इस पानी में वैसे मसाले जो डाले हुए हैं वो मैंने अभी आपको बताया था खारा और नमक डालते हैं और इसको अब इनको अंदाजा होता है उस हिसाब से वो पानी लेते हैं अंदर जो बड़ा बर्तन लेंगे उसमें जिसमें अभी तेल लगाया था उसमें पानी डाल डाल रही हूँ मैं और इस पानी के अंदर फिर आटा डालेंगे और तो बहुत गर्म पानी था इतनी भाप निकल रही थी ना जिसकी कोई हद नहीं है क्योंकि हम हम लोग ये रोज़ काम करते नहीं है तो हमें इतनी आदत नहीं होती वरना तो ईजी लगता है लोगों को बस ये उबलता उबलते पानी को हमने इसमें निकाला और इसमें साथ के साथ ये चार किलो आटा और मैदा है जो मिक्स करा हुआ है मतलब ये टोटल चार किलो है तो इसको बस हिलाना इतना जल्दी जल्दी हिलाना होता है अगर हम जल्दी जल्दी नहीं हिलाते तो इसमें गांठे पड़ जाती है तो गांठे नहीं पड़नी चाहिए इसका खास कर ध्यान रखना होता है तो ये हम लोग ऐसे दिखने में लग रहा है ना बहुत ईजी से चीज़ होगा इसको हिलाना पर ये हिलाना आटा इसके अंदर चिपक जाता है बहुत क्योंकि गर्म पानी में आटा ऐसे मिल सा जाता है तो उसको पूरा हिलाना बहुत मुश्किल होता है फिर भी एक जना पकड़ता है एक जना हिलाता है तो दो लेडीज़ मैंने बोला था ना तभी ज़रूरत पड़ती है इस काम में तो इसको अच्छे से मथेंगे और इसमें एक भी गांठ भी नहीं पड़नी चाहिए और कहीं से सूखा आटा भी नहीं रहना चाहिए तो वो होता है ना कि मेहनत तो करनी पड़ती है पर जो बाज़ार का टेस्ट होता है वो घर का टेस्ट नहीं होता है क्योंकि घर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है बाज़ार वाला इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता अक्सर मिलते तो हैं बाज़ार में खींचा वगैरह पर ये वाला मज़ा नहीं है जो घर में है घर का बना हुआ होता है और इसको पूरा अच्छे से मिलाएंगे फिर उसको वापस पतीले में डालेंगे आगे का प्रोसेस आप पूरा व्लॉग में बने रहिए और आप देखना और ये चीकू पूरी पंचायतें कर ही रहा है साथ में और मैं ये सब काम कर रही थी ना मैं तो मतलब थोड़ा सा हेल्प किया था बाकी तो बैठी थी मेरी बस की बात नहीं है ये तो बाकी चिक्कू ने इसी टाइम बाल्टी बाल्टी पड़ी थी उसमें फ़ोन भी डाल दिया था पूरा गंदा कर दिया फिर उसको थोड़ा डांटा करा मैंने फ़ोन को साफ़ किया और ये देखिए अब अच्छे से मिल गया और इनको मतलब अंदाजा होता है पानी का तो ये पानी भी पूरा सोख लिया ज़्यादा गिल्ला भी नहीं होता और ज़्यादा वो टाइट भी नहीं होता तो अब आज करीबन करीबन मिल गया है पूरा और फिर कढ़ाई में वो सॉरी पतीले में अच्छे से ऑयल लगाएंगे और फिर उसमें ये सारा मटेरियल डालेंगे और फिर एक घंटा और पकाएंगे देखिए ये बड़ा सा पतीला लिया है और इसमें काफ़ी सारा ऑयल डाल देते दे हैं ताकि ये जो आटा है वो चिपके ना तो इसमें अच्छे से ऑयल पूरे में हाथ से पूरे में लगाएंगे और इसमें प्लेट डालेंगे ये जो प्लेट ले रहे हैं हम इस प्लेट में भी ऑयल लगाते हैं ताकि इस पर भी चिपके ना और मैं ना मेरा भी मुझे भी नहीं पता था इस चीज़ का मैं भी कभी घर में ढोकले वगैरह बनाती ना जैसे चिपक जाता था तो मैं उल्टी प्लेट रखती थी और फिर वो उल्टी प्लेट हवा पकड़ लेती थी पकने के बाद तो वो निकलती ही नहीं थी बर्तन सारे धुल जाते वो कढ़ाई दो दिन पड़ी रहती तो मुझे आंटी जी ने अभी बताया निर्मा दीदी की मम्मी ने कि इस प्लेट को उल्टा नहीं रखना सीधा रखना होता है तो इन्होंने देखो सीधी प्लेट रखी है ताकि ये हवा नहीं पकड़ेगी और हवा नहीं पकड़ेगी तो वो चिपकेगी भी नहीं और ढोकले भी हमारे अच्छे से बन जाएंगे सॉरी ढोकले क्या ये जो खींचे बन जाएंगे वो भी तो अब से घर में अगर आप भी कोई भी काम करते हो अगर वो कोई बर्तन के नीचे आप प्लेट अगर उल्टा रखते हो तो वो सीधी उल्टी मत रखना सीधी रखना ताकि उसमें हवा ना जाए तो वो चिपकेगी नहीं तो इस प्लेट को इसलिए रखते हैं क्योंकि नीचे आँख ज़्यादा लगती है तो ये जो हमारी खींचे का मटेरियल है वो चिपकना नहीं चाहिए इसलिए ये प्लेट रख देते हैं नीचे और अभी ये बहुत गर्म है तो हाथ से नहीं डाल सकते अंदर तो ये प्लेट की सहायता से इस प्लेट पे भी इन्होंने ऑयल लगाया है और हाथ तो जलते हैं फिर भी हाथ तो लगाना ही पड़ता है बहुत गर्म है ये क्योंकि ये थोड़ा तो ना इसी में पक जाता है क्योंकि इतना उबला हुआ पानी होता है ना तो इसमें आधा तो इसमें पक जाता है आधा इसको और पकाएंगे अभी तो मम्मी आंटी जी की जान लग रही है इसमें पूरी खाने बहुत ईजी है पर बनाना बहुत मुश्किल काम है ये हमारे लोगों में ये बहुत बनाते हैं जैसे ना साल साल का स्टॉक बना के रख देते हैं जैसे अभी सर्दियाँ सर्दियां बनते हैं ये तो हम लोग तो इस बारी फिर भी लेट हो गए बनाने में क्योंकि पहले मेरे जो दादी ससुर जी थे उनकी डेथ हो गई थी उस टाइम बनाने का सोचा हुआ था फिर बना नहीं पाए थे तो एक साल का स्टॉक बना के रखते हैं उस बीच में जैसे ननंद भाई सा कोई आ जाता है तो उनके साथ में भेजने करने के लिए भी ऐसा हमारे रूल होता है कि भेजते हैं एक दूसरे जगह पर कि जिनके नहीं बनाए होते हैं और ये पूरा इसमें डाल दिया और ये थोड़ा गर्म पानी और है जो गर्म पानी वो ही मसाला वाला खारा खारा डाला नमक डाला और खारा मैं उसको बोलूँ जो खींचिए का सोडा आता है हम लोग राजस्थानी भाषा में उसको खारा बोलते हैं और इसको हम अच्छे से मिला दिया है और अब इसको ज़्यादा फुल आंच में नहीं पकाएंगे धीरे धीरे आंच में इसको पकाएंगे और ये देखिए ज़्यादा आंच नहीं रखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसके नीचे डाल रहे हैं और ये खींचिए हमारे पक रहे हैं इसको सिम पे रखेंगे और एक घंटा तक आराम से पकाएंगे। उसके बाद का प्रोसेस आप आगे ब्लॉग में देखते रहिएगा प्लीज तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो गया खींचिया को पकते हुए आधा घंटा होने के बाद जो खींचे का मटेरियल है तो उसको पलटा देते हैं पूरे आटे को हिला के इधर उधर करते हैं और ये जो, जो चम्मच है ये लकड़ी का होता है और ये बहुत बड़ा चम्मच होता है क्योंकि स्टील का चम्मच होता है वो तो गर्म हो जाता है फिर उसको हिलाने में दिक्कत होती है तो इसको पूरा पलटा देंगे आटा होता है वो इधर का उधर कर देंगे ताकि वो जले ना तो फ्रेंड्स देखिए हमारे खींचिए पक चुके हैं और ये पतीला है वो पूरा अंदर लेके आ गए अब इनको बेलेंगे और क्या क्या करेंगे अभी देखना तो इसमें से ये पक रहे हैं और इसकी भाप मतलब पके हुए हैं तो इनकी भाप अंदर रहनी चाहिए इसलिए ढक्कन लगा हुआ रख रहे हैं और ये जितना जितना बेलते हैं उस हिसाब से जैसे पंद्रह बीस खींचिए का एक बार मत, वो मटेरियल होता है वो बाहर निकाल देते हैं इसमें आइजवान डाल रहे हैं और थोड़ा सा ऑयल भी डालते हैं कुछ ऑयल अंदर डालते हैं कुछ नहीं डालते हैं और ये फिर इसको अच्छे से मथने से मथाते हैं मतलब ये जो मटकी होती है ना छोटे सी कुलड़ ली हुई है जो मिट्टी की है क्योंकि वही हम लोगों मेरे मायके में लोटे से करते हैं उससे गर्म हो जाता है हाथ ये मटकी का है मतलब मिट्टी का है तो ये थोड़ा कम गर्म होता है इससे अच्छे से मैस करके पूरे को अच्छे से मैस कर देते हैं बिल्कुल मक्खन जैसा बना देते हैं उसके बाद में इसकी लोई बनाते हैं रोटी जैसी पर किसी को जैसे बड़े खींचिए बनाने हैं तो वो बड़े बनाए छोटे बनाने हैं तो छोटे पर ये ये साइज़ बिल्कुल सही है तो एक लेडीज़ का काम इसमें यह होता है कि वो इसको मथेगी लोई बनाएगी और लोई बना बना के देगी और ये इसका बेलने का प्रोसेस है तो इसमें दो पोलिथीन लिए और जो रोटी बेलने का चकला होता है उस वो जो मार्बल का बना होता है थोड़ा हेवी होता है तो उसका उससे हम जोर लगाते हैं तो खींचाया बनता है बिल्कुल गोल बन जाता है थोड़ा बहुत कहीं से ऊपर नीचे होता है तो वो हम हाथ से कर देते हैं और ये वैसे किचन में प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं अगर हम दो चकला लेके भी कर सकते हैं नीचे भी चकला लगा देते हैं ऊपर भी चकला और बीच में पॉलीथीन रखते हैं वैसे पहले के कुछ लेडीज ना ऐसे जैसे बैलन से भी बेलती है रोटी की तरह पर वो वाला प्रोसेस सही नहीं होता ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है इसमें इक्वल बनता है एक जैसा और फिर काफ़ी सारे इकट्ठे नीचे कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते रहते हैं वैसे चिपकते नहीं हैं फिर ऊपर ला के फैला देते हैं तो, तो अंटी जी अभी फैला रहे हैं और एक एक को अच्छे से फैलाना होता है इनको और देखिए कितना सारे बनाए क्योंकि काफ़ी दिनों से बना रहे हैं मम्मी आंटी जी कुछ अंटी जी उन्होंने के उन्होंने बनाए निर्मा दीदी की मम्मी उन उन्होंने बनाए और हमारे मम्मी आंटी जी अभी दो तीन दिन से बना ही रहे हैं तो पूरी छत पर खींचिए खींचिए दिख रहे हैं और इसके बारे में कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और ये देखो सूखे हुए ऐसे हैं मतलब ये तीन चार दिन के सुखाए हुए है एक दिन में करीबन चार किलो के बनाते हैं और अगर आप लोग ढाई किलो आटे का बनाते हो तो उसमें क्या करना होता है ढाई किलो आटा लेते हैं तब सौ ग्राम सोडा लेना होता है पचास ग्राम नमक लेना होता है और पानी थोड़ा कम हो जाता है उस हिसाब से आपने और वैसे पता है इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं कब पानी वो जो आटा बनाते हैं जो पतीले में डालने से पहले उसको टेस्ट कर सकते हैं कि कैसा है वो तो उस हिसाब से उसमें बाद में भी ऐड कर सकते हो आप तो फ्रेंड्स देखिए फ्राई करने के बाद खींची का साइज कितना बड़ा हो जाता है और प्लीज़ मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू